सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बोलूंगा संदकपू का रूट के बारे में। यस, इफ यू आर प्लानिंग योर बाइक ट्रिप टू संदकपू देन दिस वीडियो इज टोटली फॉर यू। सो वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक देखिए। इस वीडियो पे मैं बात करूंगा संदकपू का टोटल रूट के बारे में, कैसे आप लोग जा सकते हैं विथ योर बाइक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द रूट। इफ यू आर प्लानिंग योर संदकपू ट्रिप वाया नेपाल, आप लोग जो है टोटल यहाँ पे दो ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन जो है आप लोग इंडिया से नेपाल पहुँचने के बाद ही होता है। सो आप लोग देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों का फर्स्ट जर्नी शुरू करेंगे फ्रॉम शिलीगुड़ी। सो शिलीगुड़ी से एक रूट है आपका, ये काकरभिट्टा वाला जो हमारा बॉर्डर है ये पार करके अप टू चाराली आपको जाना होगा। चाराली लाइक इज ए स्मॉल स्पेस नियर काकरभिट्टा। सो आप लोग चाराली तक जाएंगे, देन चाराली से आप लोग को जाना होगा यहाँ पे सूर्योदय नाम का एक जगह तक। फिर सूर्योदय से जो है आप लोग को जाना होगा इलाम, विच इज़ ए वेरी पॉपुलर नॉन डेस्टिनेशन ऑफ नेपाल। सो इलाम जाने के बाद आप लोगों को जाना होगा यहाँ पे बिपलाते, और बिपलाते के बाद जो है आपको मेन जो ध्यान में रखना होगा कि ये दो जगह का नाम, वन इज़ कॉल्ड माई पोखरी एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड माई माजुआ। सो इसको ऐसे भी बोला जाता है संदकपू जाने का रूट में कि माई पोखरी माई माजुआ वाला रूट है, सिंपल। सो आप लोग जो है माई बिपलाते क्रॉस करेंगे, देन माई पोखरी क्रॉस करेंगे। सो क्रॉस करने के बाद देन यू विल गेट अ स्मॉल विलेज कॉल्ड देवराली। देवराली क्रॉस करने के बाद आप लोगों को एक ब्रिज मिलेगा जिसका नाम है गीतांग पुल। गीतांग पुल क्रॉस करने के बाद आप लोग पहुंच जाएंगे माई माजुआ वाला जो एरिया है वहाँ पे। ये भी जो है संदकपू रीजन का ही एक पार्ट है। माई माजुआ में आप लोगों को और एक ब्रिज मिलेगा जिसका नाम है बड़ी खोला ब्रिज। सो ये जो जगह है छोटा छोटा जगह, जैसे कि आपका देवराली हो गया, गीतांग पुल, बड़ी खोला, ये सब जगह को आप लोगों को जो है एक लैंडमार्क की तरह लेना होगा। आफ्टर दैट यू विल रीच दिस प्लेस कॉल्ड कालपोखरी, और कालपोखरी से जो है आपका बीके मंजंग होके संदकपू। कालपोखरी से संदकपू का रूट कोई इतना ख़राब नहीं है, इट इज़ गुड। आप लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं पड़ना होगा। और जो सेकंड रूट है वो है शिलीगुड़ी, एंड देन आप लोगों को जाना है मिरिक, उसके बाद जाना है आप लोगों को पशुपति नगर। सो पशुपति नगर शायद बहुत लोगों ने देखा, जिन लोगों ने शिमाना व्यू पॉइंट लेप्चा जगह तो सब जगह दार्जिलिंग का घूमने गया है। एक्चुअली ऊपर की तरफ ऐसे जाता है दार्जिलिंग, और ये रहा पशुपति नगर। पशुपति नगर से थोड़ा नीचे की तरफ आप लोगों को आना होगा सूर्योदय। सो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, अगर आप लोग ये फर्स्ट वाला रूट से जाते हैं माई पोखरी माई माजो होके, तब भी आपको सूर्योदय जाना होगा। और अगर आप लोग पशुपति नगर होकर जाते हैं तब भी आप लोग को जो है सूर्योदय जाना ही होगा। सो आप लोग यहाँ पे सूर्योदय में आए, देन आप लोग को जो है सूर्योदय से जाना होगा यहाँ पे नया बाज़ार पे, और नया बाज़ार से आप लोग को पहले जाना होगा जमुना, फिर माबू होकर आप लोग को जाना होगा कालपोखरी, फिर कालपोखरी से जो है बाकी रोड अप टू संदकपू। मैंने जैसे बोला इट्स क्वाइट गुड, यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन होने का रास्ता नहीं है, बाकी आप लोग जो आराम से जा सकते हैं। सो ये था दो रूट। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रोड कंडीशंस। सो या सो देखिए, अगर आप लोग चॉइस करते हैं फर्स्ट वाला रूट दैट इज माई पोखरी माई वाजवा वाला रूट, तो जो है शिलीगुड़ी से चाराली तो क्या बोले, एशियन हाईवे, एवरीथिंग इज गुड। फिर चाराली से लेके अप टू आपका सूर्योदय बोलिए इलाम बिपलाते तक रोड एकदम बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा रोड है। फिर ये जो माई पोखरी और माई वाजवा वाला जो रूट है, ये रूट में आपको बोल रहा हूँ कि बिपलाते तक जो है आराम से आपका जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर बिपलाते से आप लोगों को ये राइट वाला साइड में जाना होगा, और आप लोग जो है बिपलाते से और एक रोड जाता है ये वाला आपका सीधा की तरफ, ये आपका तापलेजुंग नाम का एक जगह है, इसका लास्ट कॉर्नर वहाँ तक जाता है, वो छोड़िए उसको। फिर जो है आप लोग ये अप टू माई पोखरी तक यू विल गेट द सपोर्ट ऑफ गूगल मैप्स, आप लोगों को जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड देन ये माई पोखरी से जो है आप लोगों को टोटली जो है लोकल विलेजर्स से आपको जो भी मिले उन लोगों से थोड़ा हेल्प लेना होगा। पीपल आर वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल देयर, आप लोगों को जो है हेल्प मिल जाएगा। सो आप लोग जो है माई पोखरी से थोड़ा पूछ के जाइए, फर्स्ट बोलिए देवराली कौन सा विलेज है, देवराली पार करने के बाद आप लोग ये देवराली विलेज में ही पूछिए कि गीतांग पुल कहाँ पे है, तो आप लोगों को बोल देगा। डिस्टेंस छोटा छोटा है, और मैं इसी हिसाब से ये सब लैंडमार्क आप लोगों को दिया हूँ। फिर आप लोग पूछिए माई माजुआ, माई माजुआ पूछ के आप लोग बोलिए कि बड़ी खोला ब्रिज कहाँ पे, सो पीपल विल गाइड यू, अदरवाइज यहाँ पे नो वन इज़ देयर टू हेल्प यू। ओके, सो वही है गूगल मैप्स का भरोसा, सिर्फ माई पोखरी तक है, अप टू माई पोखरी तक। मैं यहाँ पे आप लोग जो है ब्रैकेट में यहाँ पे गूगल मैप्स लिख देता हूँ, GM समझ लीजिए। सो गूगल मैप्स जो है सीधे आते की है। सो ये रहा आपका फर्स्ट रूट, और जो सेकंड रूट है वो बड़ा रूट आपके देखिए, मतलब हम लोग अभी रोड कंडीशन बात कर रहे हैं। शिलीगुड़ी से मेरी पशुपति नगर तो कुछ बोलना नहीं होगा, आप लोगों को पता है इंडियन साइड में रोड कैसा है, इट्स गुड। अप टू सूर्योदय तक सेम है,
अप टू नया बाजार तक जो है आप लोगों का सूर्योदय से या नया बाजार तक थोड़ा बहुत मतलब पेबल्स वाला रोड, थोड़ा पत्थर वाला रोड जो शुरू होगा, बट इतना ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं है। बट वंस यू क्रॉस नया बाजार में आप लोगों को जो खाना पीना बैठना सब कुछ मिलता है। फिर जमुना मामू ये सब रोड तो भयंकर ऑफ रोडिंग है, ठीक है। सो आप लोग माइंड सेट करके जाइए कि ये माई पोखरी क्रॉस करने के बाद अप टू काल पोखरी अगर आप लोग फर्स्ट वाला रूट चॉइस करते हैं और सेकंड वाला अगर रूट चॉइस करते हैं तो नया बाजार क्रॉस करने के बाद जमुना माबू के कलपोखरी। सो ये सब का रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब मतलब क्या बोलूँ। आप लोग मेरा जो है पुराना वाला वीडियो संदकपुर सीरीज़ देखिए, आप लोग को पता चल जाएगा। आप किसी का भी देखिए यूट्यूब में वीडियो, आप लोग को पता चल जाएगा कि जो है रोड कंडीशन कैसा है वहाँ का। और आई डोंट थिंक कि अगले 3-4 साल में भी कुछ सुधार होने वाला इतना ज़्यादा। अभी हम लोग बात करेंगे कि टाइम के बारे में, अगर आप लोग फर्स्ट रूट में जाएंगे तो कितना टाइम लगता है, सेकंड रूट को फॉलो करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। देखिए सिलीगुड़ी से लेके आपका जो ये चाराली सूर्योदय इलाम माई पोखरी माई वॉज वाला रूट में जाएंगे, देन आप लोग अगर सुबह सुबह को स्टार्ट करेंगे आपका जर्नी में बी अराउंड लाइक बिफोर 10 o'clock इन द मॉर्निंग, तो जो है आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली आप जो है अगर आप लोग थोड़ा रेस्ट करके भी जाएंगे तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा रोड में, इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप लोग 4 बजे का पहले पहुंच जाएंगे शाम को, 4-5 बजे मैक्सिमम 4-5 बजे तक आप लोग पहुंच जाएंगे। और अगर आप लोग ये जमुना वाला माबू का रोड जाएंगे तब भी जो है आप लोगों को एक दिन में तो पहुंचना ही है। बट मैं बोलूँगा इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम कोलकाता और एनी अदर आसाम कोई दूसरा दूर वाला रीजन से आ रहे हैं, आप लोगों को जो है यहाँ पे माई पोखरी और यहाँ पे नया बाजार दो जगह में से कोई भी एक जगह में फर्स्ट डे को स्टे करना है। इट इज़ फॉर योर गुड, आपका थोड़ा एक्मेंटलाइजेशन भी हो जाएगा और जो है आप लोगों उस रीजन के बारे में थोड़ा और जानकारी भी हो जाएगा ना। अभी भाग के तो जाके क्या फ़ायदा एक दिन में, थोड़ा रेस्ट करके जाइए, मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाइए। सो टाइमिंग का कुछ ऐसा ही है, 1 day मैक्स, बट मैं तो बोलूँगा कि आप लोग जो है एक दिन ए वाला रूट से जा रहे हैं फर्स्ट में तो माई पोखरी, सेकंड वाला में जा रहे हैं तो नया बाजार में आप लोग रुक के जाइए, देन एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू। और रिटर्न का टाइम में तो एक ही दिन में आप लोग जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा स्लोप ही है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को ए वाला रूट में पेट्रोल वगैरह कहाँ पे मिलेगा। सो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, आप लोग जब सिलीगुड़ी से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे पशुपति नगर में भी एक है पेट्रोल पम्प, वहाँ पे आपको जो है फुल टैंक अप कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे इस रूट से जा रहे हैं तो आप लोग जो है लास्ट पेट्रोल पम्प आपको मिलेगा बिपलाते में। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, बिपलाते वाला पेट्रोल पम्प में हमेशा पेट्रोल नहीं रहता, मैं जब गया था मुझे नहीं मिला था, और इसीलिए आपको बोलूँगा कि आप ये जो इलाम वाला पेट्रोल पम्प है वहाँ पे आप पेट्रोल भर ले, और एल्स यहाँ पे फिक्कल बोल के एक जगह है सूर्योदय के थोड़ा नीचे, आप वहाँ भी पेट्रोल भर सकते हैं। सो आपको जहाँ मिले आप वहाँ भी भर लीजिए। सेकेंड थिंग इज़ अगर आप लोग ये सेकेंड वाला रूट से जा रहे हैं देन आपको जो है ये सूर्योदय पे ही आपका जो है टैंक पूरा फिल करना होगा। बाकी तो देखिए जेरिकेन लेने का तो इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है नेसेसिटी, बट फॉर योर सेफ साइड यू कैन ऑब्वियसली कैरी मिनिमम 3-4 liter पेट्रोल, बस इतना ही है पेट्रोल का और ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन नहीं है। सो देखिए अभी मैं और एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बोलूँगा, दैट इज़ द किलोमीटर द मेन थिंग। सिलीगुड़ी से अगर आप लोग फर्स्ट वाला रूट में जाते हैं तो सिलीगुड़ी से आपका जो है चाराली तक जो डिस्टेंस है नेपाल का वो है 35 किलोमीटर, उसके बाद आप लोगों को सीधा राइट लेना है अप टू सूर्योदय, वो है 43 किलोमीटर। और सूर्योदय से जो है आप लोगों को ये माई पोखरी वाला ये जो रूट है टोटल माई पोखरी माई वजह वाला, इसको आपका कोई देखिए माई पोखरी बात तो गूगल मैप्स ही नहीं है, सो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊँगा, बट मैं अगर बोलूँ मेरा ट्रिप मीटर में जितना दिखाया था इट वॉज नियर अबाउट 72-275 किलोमीटर इतना कुछ था। सो आप लोग जो है देख सकते हैं ये है आपका फर्स्ट रूट वाला डिस्टेंस। सेकंड रूट वाला डिस्टेंस बोलूँगा तो सिलीगुड़ी से पशुपति नगर है 69 किलोमीटर, पशुपति नगर से सूर्योदय 12 किलोमीटर, और सूर्योदय से जो है अप टू काल पोखरी संदकपुर तक टोटल वही है 65-70 किलोमीटर। सेकेंड वाला रूट में जो है थोड़ा बहुत किलोमीटर कम है और इसमें जो है थोड़ा 5-7 किलोमीटर ज़्यादा है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इतना ही कुछ है। बाकी आप लोग जो है रूट कैसा है कंडीशन और प्रैक्टिकलिटी में आपको जानने के लिए जो है आप लोगों को तो पूरा मेरा जो है सीरीज़ में मैंने पूरा अच्छे से दिखाया हुआ है या बोला हुआ है आप लोगों को वो देखना होगा। आप लोग जब मेरा संदकपुर वाला सीरीज़ देखेंगे तब आप लोगों को दिखेगा कि मैं जो है ये वाला रूट चॉइस किया। अभी क्यों चॉइस किया वो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये जो रूट है इट इज़ नो एयर नियर टू इंडिया जब तक आप लोग कालपोखरी नहीं पहुँचते तब तक, बट ये जो नया बाजार जमुना माबू वाला रोड है
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे करके जो डिवीजन रोड है ऐसा निकला है जो जाके हमारा इंडिया का साइड में तोंगलू, फिर आपका गारीबास, वो सब पॉइंट में जाके ये सब ऐड होता है। सो अगर आप लोग गलती से जमुना या मावू होके कहीं से भी अगर राइट साइड में इंडियन साइड में चले गए, तब तो जो है आप लोगों को तो जो है आँख बंद करके 10,000 रुपये का फाइन देना ही पड़ेगा। सो मुझे भी वही डर था कि मैं गलती से इंडिया रूट में ना चला जाऊँ, इसीलिए जो हमें ये फर्स्ट वाला रूट को ट्राई किया, माई बुकरी माई मजो वाला। सेकेंड वाला वो इसीलिए नहीं किया कि इंडिया में जाने का थोड़ा रिक्स रहता है और बाइकिंग तो बैन ही है इंडिया में। सो दैट इज़ द रीज़न आई हैड चोजन द फर्स्ट रूट रदर देन द सेकेंड रूट। सो आप लोग देखिए, अभी आप लोगों का मर्जी, आप लोग कौन सा रूट में जा सकते हैं, दोनों रूट जो है अच्छा ही है। और अभी देखिए, मैं तो बोलूँगा मुझे तो यही रूट अच्छा लगा, माई पुखरी माई मजो वाला। और मैं जो है इसको एक ही दिन में पहुँच गया था अपू संदकपू, और सेकेंड डे को जो है मैं रिटर्न किया था। सो मेरा वन डे स्टे हुआ था आल पे। इस रूट में जो स्टे के बारे में मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ वो है, वंस यू रीच कालपोखरी, कालपोखरी का जो स्टे है वो थोड़ा चीप ही है, मतलब कंपेयर टू संदकपू एंड आल। यहाँ पे जो है मिनिमम 600-700 से आपका रहना खाना दोनों शुरू हो जाता है, आप लोग जो है यहाँ पे रह सकते हैं। और अगर वंस यू रीच संदकपू, थिंग्स गेट लिटल हार्ड फॉर यू। क्यों बोलते हो? क्योंकि संदकपू में पहुँचने के बाद, जैसे कि आप लोग नेपाल वाला रूट से जा रहे हैं, वहाँ पे ओनली एक ही होटल है जो है सनराइज होटल, वो नेपाल वाला साइड में आता है। ऑब्वियसली आप लोग बाइक से जा रहे हैं तो आप तो इंडिया साइड में जाएंगे नहीं, आप लोगों को जो है कंपल्सरली वहाँ पर रहना होगा। और सनराइज होटल में कभी कभी रूम नहीं मिलता, टेरिफ स्पाइक कर जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अगर जिस दिन आप लोग संदकपू समिट करेंगे, पहुँचेंगे, उसी दिन जो है आप लोग 6-7 किलोमीटर बैक आके अगर आप लोगों को संदकपू में अच्छा जगह रहने के लिए नहीं मिल रहा है, अब ये कालपोखरी में आके आराम से वहाँ पर रह सकते हैं। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेट भी चीपर है और रहने का जो थोड़ा आसपास वाला जो व्यू है वो भी अच्छा है। हाँ, एक बात है, आप लोग जब कालपोखरी में रहेंगे होटल में, तब ऑब्वियस तो आप लोग चल के जो इंडियन साइड में जा सकते हैं, और वहाँ का जो आपका लेक वगैरह है, जो कालपोखरी जो मेन थिंग है ना, इसका जो नाम है, वो पोखरी भी आप लोग जाके पॉन्ड जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ है। बाकी ऑफ सीजन वाला अगर कोई सीन रहा तो ऑब्वियस आप लोगों को सनराइज होटल में रूम मिल जाएगा। सो इतना कुछ है। इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट अबाउट दिस ट्रिप, अबाउट द रूट, अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक, देन यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट बिलो, और एल्स यू कैन मैसेज मी इन द इंस्टाग्राम, मैं आप लोगों को जो है डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। सो ऐसा कुछ है, मिलते आप लोगों के साथ नया कोई ट्रिप में, नया कोई वीडियो के साथ। टिल देन एंड टेक केयर।